हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो पर आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम मछली बनाएंगे, देसी रोहू मछली। तो मेरा रोहू मछली भी आ गया है, देसी है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो हम बोले थे उसका पापा को कि देसी लाइएगा, तो देसी रोहू मछली लाया है। तो हम लोग देसी मछली आज बनाएंगे, आप लोग को दिखाते हैं मेरा मछली। देखिए दोस्तों, इधर मेरा मछली है। पहले हम मछली को धो लेते हैं। मछली को हम धोए नहीं है अभी, मछली को हम पहले धो लेते हैं, उसके बाद हम मछली को फ्राई करें। देखिए दोस्तों, हम मछली धो लिए हैं और इसमें अभी हल्दी और नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। और इधर हम कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं, हम मछली फ्राई करेंगे। तो पहले हम हल्दी और नमक अच्छी तरह से मिला लेते हैं, उसके बाद हम मछली को फ्राई करेंगे। ये मेरा देसी रोहू मछली है, पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए इधर मेरा कढ़ाई भी हम चढ़ा दिए हैं। देसी रोहू मछली बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। गर्म हो गया है, हम मछली डाल देते हैं। तो पहले हम मछली को डाल देते हैं। तो देखिए इधर मछली भी हम डाल दिए हैं। मछली को आप अच्छी तरह से पहले हम फ्राई कर लेंगे। मछली को हम डाल दिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे, अभी चार गो ही डालेंगे। ठीक है, पहले हम मछली को फ्राई कर लेते हैं। तब तक हम मसाला और सरसों मसाला हम सब कुछ पेस्ट बना लेते हैं, तब तक मेरा मछली फ्राई हो गया। और इधर मेरा आधा है, तो हम इसको अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेंगे दोस्तों। और इधर हम मसाला भी पीस लिए हैं, मसाला भी डालेंगे। सरसों का पेस्ट है, इधर मेरा आपका अदरक है, लहसुन है और प्याज है, इसका पेस्ट बनाए हैं। तब तक हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम मसाला और देंगे। देखिए दोस्तों, इधर मेरा मछली भी फ्राई हो गया है, उसके बाद हम मसाला फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम मछली इसमें दे देंगे। तो हम आज नाश्ता में क्या बनाए हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। इधर मेरा क्या है, आलू और टमाटर और प्याज का हम सब्जी बनाए हैं। और इधर मेरा रोटी है, हम रोटी भी बनाए हैं, इधर मेरा रोटी है, ये सब हम लोग आज नाश्ता करेंगे। उधर मेरा लंच का भी खाना हो रहा है, मछली चावल और दाल। इधर मेरा मछली फ्राई हो गया है और इधर दो गो हम फ्राई हो रहा है, ये हो जाएगा, दो मिनट लगेगा। उसके बाद हम मसाला को फ्राई करेंगे। मसाला भी मेरा तैयार हो गया है। तो मेरा बाबू लोग क्या कर रहा है हम देख कर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा मछली मेरा फ्राई हो गया है। और इधर हम तेल भी डाल दिए हैं। प्याज हम पहले भून लेंगे, प्याज हम कट के रख लिए हैं, ज़्यादा हम प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि हम प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। और मेरा देखिए इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो हम पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद मसाला हम अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद पानी देकर हम मछली को ऐड कर देंगे। देखिए मेरा प्याज को फ्राई हो गया था, हम मसाला भी इसमें डाल दिए हैं, लहसुन अदरक और प्याज और धनिया और जीरा और गलती का भिंडी हम नहीं दिए हैं, अभी हम डाल रहे हैं। हम डाल दिए थोड़ा थोड़ा, आधा चम्मच करके करके हम डाल दिए। और इसमें थोड़ा हल्दी भी डाल देते हैं। मसाला भी मेरा फ्राई हो गया है, हम सरसों का पेस्ट डाल देते हैं। देखिए मेरा अच्छी तरह से मेरा मसाला का भून गया है, हम इसमें सरसों दे देते हैं, सरसों का पेस्ट। इधर मेरा सरसों का पेस्ट है, हम डाल देते हैं सरसों का पेस्ट, डाल देंगे सरसों का पेस्ट। देखिए दोस्तों, इधर हम सरसों का पेस्ट भी डाल दिए और इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम मछली डाल देंगे। मसाला भी मेरा फ्राई हो गया है, हम पानी डाल देते हैं इसमें। हाँ ले लो, पानी डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मछली इधर फ्राई हो गया है, इधर मेरा मसाला भी फ्राई हो गया है, हम पानी इसमें डाल देते हैं। मेरा हो गया है,
मसाला भी इधर मेरा तैयार हो गया है। हम पानी डाल देते हैं इसमें। पानी भी इसमें हम डाल दिए हैं और इधर मेरा मछली भी है, मछली भी हम डाल देते हैं। मछली हम डाल देते हैं इसमें। मेरा इधर देसी रोहू मछली है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो हम बोले थे कि आप देसी रोहू मछली लाइएगा, दूसरा कुछ नहीं, तो देसी रोहू मछली भी लाए हैं। तो देखिए हम मछली भी इसमें डाल दिए हैं, मछली भी हम डाल दिए। तो हम थोड़ा इसको होने देंगे, उसके बाद हम नीचे उतार देंगे। हो जाएगा मेरा मछली हम डाल दिए हैं, देखिए मेरा मछली भी हो गया है। हम इसको नीचे उतार देते हैं। मछली भी मेरा पट के तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए मेरा मछली हो गया है, मछली हम उतार देते हैं और लोग देख सकते हैं मेरा बाबू लोग क्या कर रहे हैं। हम देख के आते हैं, हम जा रहे हैं बाबू लोग को देखने के लिए। देखिए दोनों भाई क्या कर रहा है, देखिए मेरा दोनों भाई क्या कर रहा है। बाबू लोग क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है तुम लोग? मछली खा रहा है। देखिए रियांश उसका भाई को मछली खिला रहा है क्या? मेरा रियांश बेटा ना बहुत ही अच्छा लड़का है, थोड़ा गुस्सा गया था, अभी ठीक हो गया। वो मछली बाबू को भी खिला रहा है, वो भी खा रहा है। दोनों भाई बहुत ही अच्छा है इन लोग, क्या बेटा हाँ? रियांश भाई, रियांश भैया प्रियांशु का बहुत ख्याल रखता है। वो स्कूल नहीं है, सोमवार से इसका स्कूल भी खुल जाएगा मेरा रियांश बेटा का। हाँ कल से स्कूल है। इधर हम रियांश के लिए उठा दिए हैं और इधर हम लोग के लिए है, ये तीखा वाला है, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, इसीलिए हम बाबू के लिए पहले उठा लिए हैं। तो मेरा बन के तैयार हो गया है खाना लंच का। इधर मेरा चावल भी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर मेरा दाल है, दाल भी मेरा हो गया है। और इधर मेरा मछली भी हो गया है। और कद्दू है तो हम बनाएंगे नहीं, कद्दू भी है इधर तो हम बनाएंगे नहीं कद्दू, क्योंकि मछली हो गया है तो कद्दू नहीं बनाएंगे, क्योंकि मछली मतलब मीट मछली कुछ बन जाता है तो सब्जी खाने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए मछली बन गया है, इसलिए हम सब्जी नहीं बनाएंगे। और थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब है, क्योंकि मेरा बुखार हुआ था, कल रात को मेरा बुखार भी आया था, मेरा सर्दी भी हो गया है, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। तो यही सबसे आज हम काम चलाएंगे बच्चों। तो मेरा बन के तैयार हो गया है, तो मेरा अभी बर्तन है सब कुछ धोना भी है। तो पहले हम बर्तन सब धो लेते हैं, उसके बाद हमको बाबू को भी मालिश करना है, बाबू को भी कुछ करना है। तो हम जा रहे हैं दोस्तों, मेरा बन के तैयार हो गया है खाना। दोस्तों खाना खाने का टाइम भी हो गया है, तो मेरा रियांश बोला मम्मी खाने के लिए दीजिए, तो मेरा रियांश भी फ्रेश हो गया है। आप लोग देख सकते हैं मेरा रियांश नहा भी लिया है, एकदम अच्छी तरह से फ्रेश भी हो गया है। देखिए मेरा रियांश अच्छी तरह से नहा धोकर एकदम फ्रेश हो गया है, पाउडर भी लगा लिया है, बहुत गर्मी दे रहा है इसीलिए। तो बोला मम्मी खाने के लिए दीजिए, तो हम बाबू को खाने के लिए दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हम खाना निकाल रहे हैं। तो हम इधर खाना भी ले लिए हैं, हम जा रहे हैं खाना लेकर बाबू को खाना देंगे। देखिए रियांश बैठ गया अच्छी तरह से, बैठो बेटा। दोस्तों हम लोग का लाइन अभी कट गया है, तो हम लोग बाहर में बैठे हुए हैं और रियांश मेरा मिक्सचर खा रहा है। बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत धूप है, हवा भी नहीं चल रहा है और लाइन कट दिया है, इसलिए हम लोग कि थोड़ा बाहर आ जाते हैं। तो दिखाते हैं मेरे बाबू लोग क्या कर रहे हैं। ये मेरे बाबू को हम नीचे सुला दिए हैं, इधर हम लोग का नीचे उतरने का है। और यहाँ पर ही हम बाबू को सुला दिए हैं क्योंकि लाइट कट गया है। और इधर देखिए रियांश मिक्सचर लेके बैठ गया है, वो मिक्सचर खा रहा है। खाओ बेटा अभी, हाँ अभी वो चावल और मछली खाया, फिर भी उसको भूख लग गया है तो खा रहा है मिक्सचर। और फ्रेंड तो हम अभी ड्यूटी से घर आ गए हैं, जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। वंदना खाने में क्या बनाई है देखते हैं। तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए।
तो देखिए सब कोई बैठे हुए हैं, रियान सो रहा है और बाबू मेरा दाल पी रहा है। तो मम्मी उनको अभी दाल पिला रही है। हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए कि मेरा खाना, अब हम खाना खाएंगे। सो खाना है इधर है, और मछली देसी रोहू मछली, और इधर है पटल भुंजिया। बस और कुछ बना नहीं है, यही सब बना है आज। दाल बनाए हैं, दाल नहीं खाते हैं हम। दाल बनाए हैं लेकिन दाल हम खाते नहीं हैं। मछली खाएंगे और चावल और पटल का भुंजिया। ज़्यादा मछली उछली खाते नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता है मछली हमको। तो पहले अब खाना खाते हैं। ये देखिए मेरा रियान क्या कर रहा है, खाना खाएगा क्या? हाँ नहीं खाएगा। उधर मेरा बाबू दाल पी रहा है, उनका थोड़ा सर्दी हो गया है प्यांसू को। प्यांसू आवाज़ दे रहा है, वो दाल पी रहा है ना। मछली खाया? हाँ ज़्यादा नहीं खाया, एक भी नहीं खाया, आधा खाया ना। वो अभी दाल पी रहा है, तो मछली इनका फेवरेट है ना, तो मछली खाएगा ही पूरा। नींद लग रहा है, सोएगा ना। सो जा बाबू, सो जा सो जा। हाँ सो जा सो जा, तुम सो जा। देख रहे हो वो पलट गया। अरे क्या हुआ? उसको सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल देखा ना बस उड़ जाता है। क्या हुआ क्या हुआ? ठीक है फ्रेंड, तो हम अभी खाना खाते हैं। देसी मछली काफ़ी टेस्टी है, तालाब का मछली है, रोहू मछली ये बहुत अच्छा है, ताज़ा मछली था, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। मज़ा आ रहा खाना, बंदना मुँह में पानी आ रहा है। कभी नहीं हम खाए हैं, खा ले तुम। ठीक है फ्रेंड, तो पहले खाना खा लेते, भूख लगा है। लोग खाना वाना खा लिए हैं, एकदम पेट भर के खाना खाएं। बहुत मज़ा आया, काफ़ी टेस्टी बना था, एकदम मन भर गया। देसी मछली खा के, तालाब का मछली था, बहुत मज़ा आया। एकदम ताज़ा ताज़ा मछली लाए थे आज। वंदना अपने काम पे लग गई है, वंदना अपना बर्तन साफ कर रही है। यहाँ कद्दू रखा हुआ, कल कद्दू बनेगा क्या? कल कद्दू बनेगा। ये अपना बर्तन साफ कर रही है। हाँ तो नहीं है तो कौन धो देगा? इधर वंदना अपना काम पे लग गई है, अपना बर्तन वर्तन साफ कर रही है। ये हम लोग का छोटा सा किचन, ये हम लोग खाना वाना बनाते हैं। देख रहे हो, देखिए वंदना किस तरह बर्तन धो रही है। अब हम जाएंगे अभी बाल कटवाने के लिए, बाल बहुत बड़ा हो गया है, जा रहे हैं हम बाल कटवाने। तब तक बर्तन आगे वंदना धो लेगी, उसके बाद हम निकलेंगे बाल कटवाने के लिए। दाढ़ी नहीं कटिंग होगा, कटिंग नहीं होगा। वंदना बोल रही है दाढ़ी भी कटाने के लिए और बाल भी कटाने के लिए। तो ठीक है, हम तो बाल तो कटा लेंगे, दाढ़ी मेरे ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दाढ़ी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसको क्या कटा देना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं कटाना चाहिए। नहीं आज तो हम घर कौन घुसेगा, हम होटल में रहेंगे। होटल में क्या होटल भी रहने का, होटल में भी रहने का सुविधा दिया गया है। अच्छा गर्मी नहीं लगेगा? गर्मी से क्या मतलब है, गर्मी लगने तो गर्मी का दिन में गर्मी ही लगेगा। आपको ज्यादा गर्मी लगता है ना, ज्यादा पसीना आता है। पसीना मेहनत करते हैं, पसीना नहीं आएगा बंदना जैसा थोड़ी ना, हम बैठ बैठ के खाते हैं, हम मेहनत करते हैं। तो हम अभी जाएंगे, बंदना अपना बर्तन धो लेगी, उसके बाद हम निकलेंगे अपना बाल कटवाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, पहले बर्तन बंदना बर्तन धो लेगी, उसके बाद हम निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बंदना देख रहे तैयार हो गई है, एकदम मुँह हाथ धो के क्रीम पाउडर लगाई, उसके बाद हम निकलेंगे अपना बाल कटवाने के लिए। मेरे साथ ये छोटा डॉन भी जाएगा, रियांश है ना, सॉरी ये रियांश है। अभी जाएंगे हम लोग बाल कटवाने के लिए।
मेरी कटवा लूंगा। तुम तो कटवा लिया और क्या, और एक बार कटवाएगा? नहीं। ठीक है, तो अब हम निकलते हैं अपना बाल कटवाने के लिए। ठीक है फ्रेंड। हाय फ्रेंड, हम तो बाल कटवा लिए और दाढ़ी बना रहे हैं, बना लिए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा बाल दाढ़ी अभी कैसा है और पहले कैसा था। पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, अभी तो एकदम बेकार हो गया बंदना के चक्कर में। तो अब नहा धो लिए, अब हम निकलेंगे ड्यूटी। ये देखिए अभी वंदना और मेरा बाबू क्या कर रहा है। सो देखिए वंदना बाबू को मछली खिला रहा है और रियान सीधर खा रहा है आलू चॉप और समोसा। अभी मेरे साथ ही गया था तो आलू चॉप और समोसा लिया, वो ये खा रहा है। इधर वंदना बाबू को मछली खिला रही है, देख रहे मेरा बाबू। क्या हुआ, क्या खा रहा है तुम, क्या खा रहा है? मुँह खोलो, मुँह खोलो। और खाएगा नहीं क्या, पूरा एकदम मुँह दबा के रखा है, देख रहे। हाँ मुँह खोल दिया। ठीक ठीक है फ्रेंड, तो अब हम फटाफट तैयार होते हैं और ड्यूटी निकलेंगे। काम तो हो गया मेरा, बाल दाढ़ी बना लिए। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।